ये भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, बट थोड़ा सा ब्रीफ था जिसके अकॉर्डिंग काम करना था, चाहे वो डीजे वाले बाबू हो, चाहे अभी तो पार्टी शुरू हुई हो, चाहे कीको का गाना हो, सभी बच्चों के लिए हैं। बट ये थोड़ा एक ब्रीफ था कीको के कैरेक्टर के लिए, तो उसके लिए काम किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। इनकी टीम बड़ी मज़ेदार है, कीको बहुत मज़ेदार है। हाँ फिल्म आ रही हैं कीको की, गाने आ रहे हैं आई होपफुली, बट मैं चाहता हूँ बाहर जाके खेले भी थोड़ा, और हमेशा मतलब टीवी ना देखे, बट एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए, बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और कमरे में ऐसी चीज़ें देखें जो कि सेंसिबिलिटीज़ को टिकल करें। गाने को मुझे कंसेप्चुलाइज करने में 10-15 दिन लगे, और उसके बाद बनाने में आई थिंक 5 दिन लगे। गाड़ी बहुत खर्चा हो गया, और क्या होता हूँ, हो गया अब तो ले ली। हाँ यार, जिनका भी गाड़ियों का शौक है आई थिंक उनके लिए ये जो रोल्स रॉयस गाड़ी है काफ़ी आई थिंक एक अल्टीमेट कार होती है, एंड आई थिंक भगवान की ब्लेसिंग है कि मैं इस लायक हो सका कि मैंने एक गाड़ी खरीद ली, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, एक हैप्पी मोमेंट था। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आ गए। जो पापा चला मारुति 800 चलाते थे वही मेरी ड्रीम थी, मुझे ये था कि काश मैं गाड़ी चलानी सीख ली। बचपन की बहुत यादें ताज़ा हुई यार ये काम करते हुए, बच्चों के साथ बैठना ही बहुत बहुत एक बहुत नया एक्सपीरियंस होता है, और मुझे मौका मिले इसमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने। कैसे बच्चे थे? शरारती, आजकल के बच्चे बहुत शरारती, बहुत तेज़ हैं। मैं तो इतना शर्माता था, मैंने तो एक बार टॉयलेट की क्लास में कर दिया था, पूछा ही नहीं कि बताऊँ बात, सच्ची बात है ये। आई थिंक हर किसी का अलग अलग जॉनर है, मेरा जॉनर आई थिंक ये है, तो मैं यही कोशिश है यही करूँ, और ज़्यादा वो ना करूँ, मुझे दिख नहीं रहा कुछ। थैंक यू।